मंगलौर शहर और देहात क्षेत्रों में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से जनता काफी परेशान नजर आ रही है। वहीं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति और मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन सहित कई लोग डीजीएम के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी जनता को बिजली नहीं मिल पा रही है, साथ ही 5 मिनट के लिए बिजली आती है और घंटों बिजली के लिए जनता परेशान रहती है। देहात क्षेत्रों में लो वोल्टेज की सबसे बड़ी समस्या रहती है, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। मंगलौर में पूरी रात बिजली की हालत खराब है। 5-5 मिनट के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए जाती है। आती है ट्रांसफार्मर, पहले वही ट्रांसफार्मर पहले थे वही अब हैं, वोल्टेज बहुत ख़राब है। मैंने विधानसभा में भी ज़ोर शोर से इस मुद्दे को रखा था और विधानसभा में भी कहा था भाई आज के बाद आने वाले मेरे 2-3 सालों में बिजली की खपत कितनी होगी, 5 साल बाद खपत कितनी होगी, 10 साल बाद खपत कितनी होगी। अगर उस खपत के अनुरूप आपके पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं है तो मजबूरीवश बिजली कटौतियां करनी पड़ेंगी। इसके बारे में हमने आश्वस्त किया कि कुछ सिस्टम इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और उस सिस्टम इम्प्रूवमेंट करके कुछ जहाँ ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी एनहेंस होनी है वहाँ पे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा के, या तार रिप्लेस होने हैं, या कुछ अन्य कारणों से जहाँ पे विद्युत प्रभावित हो रही है उस के तरीके से हम जितना भी कर सकते हैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे।